अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, अभी जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी कि जो पासिंग क्राइटेरिया है PST और GST का, वो जो है वो काफ़ी हद तक सेट होने वाला है और हो जाएगा अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो जो हमने वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर मैं अभी यहाँ पर पूरी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये था कि सर, अगर हम अब पास हो गए, थोड़ी सी रिलैक्सेशन हमें मिली है, तो हम पहले ये कैसे देखें कि हमारे UC में PST या GST की कितनी सीट्स हैं, अवेलेबिलिटी है भी या नहीं है, और फिर क्या मामला होंगे उस, तो उस पर थोड़ा सा एड्रेस कर देता हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं ये बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला था अभी, लेकिन इसको अभी बाद में कंटिन्यू करूँगा। आई थॉट कि इस चीज़ को एड्रेस कर लिया जाए। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे सामने जो एक लिस्ट ओपन हुई हुई है, वैकेंसी पोजीशन ऑफ GST, ये बदीन की ओपन हुई हुई है, ठीक है? इसके अंदर सारी चीज़ें हैं और ये सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से है। हम कैसे एक्सेस करें अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने रीजन की, तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको लाइव अभी दिखा देता हूँ, आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे जाके सिंपली लिखिए सिंध लिटरेसी डिपार्टमेंट, ठीक है? अब जब आप इसको जैसे ही एंटर करेंगे, सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाइए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आप देख सकते हैं इस पर अगर कुछ और भी देखना होता आपको, सही है। ये हैं सरदार शाह साहब, ठीक है, सही है, सरदार अली शाह मिनिस्टर हैं अभी एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के, और ये सेक्रेटरी एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। आप देख सकते हैं, आप ये सारी इनकी अपडेट्स चल रही हैं, और आप में से कोई इस तरह से तस्वीर में आ रहा होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, ठीक है, स्कूल में पढ़ाते हुए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद हम डाउनलोड्स में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद ये वैकेंसी पोजीशन नज़र आ रहा है आपको PST GST, इस पर सिंपली क्लिक कीजिए, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे जहाँ पे वैकेंसीज हैं। अब इसको सेक्शन को थोड़ी अच्छी तरह से समझो, देखो ये तो रीजन आ गया आपका, ये आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, और ये PST और GST की पोस्ट आ गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे PST के दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, बिकॉज PST की जो सीट्स थी वो ज़्यादा थी, GST की थोड़ी कम थी, तो दो PDF फाइल इनको बनानी पड़ी। आप अपना कोई भी रीजन यहाँ से लें, और फिर उसका सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भी लें। आपको पता होना चाहिए कि आपके रीजन में आप जो है वो किस रीजन, तो बड़ा होता है ना, उसके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। लाइक मैं अगर थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन करता रहूँ करता रहूँ करता रहूँ, तो अच्छा सपोज़ मेरे पास ये कराची है, कराची कराची रीजन चल रहा है, सही है, कराची का मैं कराची साउथ या वेस्ट, चलो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कराची साउथ, ठीक है, कराची साउथ की मुझे जो है वो PST की जो है सपोज़ देखनी है। अच्छा, दो लिस्ट हैं, आपको अगर अपना UC इसमें नहीं मिल रहा हो तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या चलो मैं फ़िलहाल GST की यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। रीजन मेरा क्या है, कराची, डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है, कराची साउथ, और उसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि GST की कितनी पोस्ट हैं। सो आई हैव जस्ट क्लिक इट टू द डाउनलोड, मेरे पास तो ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, तो ये डायरेक्ट आ जाती है चीज़, ये डाउनलोड आपके सामने स्टार्ट हो रही है, सही, ये चीज़ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप असल में, क्योंकि ये PDF फाइल है, सही है, तो ये PDF के ऊपर ही ओपन होगी, तो इसको डाउनलोड होने का इंतज़ार करें, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से, लाइक जैसे ये जो था पेज, ये मैंने डाउनलोड की थी बदीन की, सही ना, तो अभी मैं फ़िलहाल डाउनलोड क्या कर रहा हूँ, कराची डिस्ट्रिक्ट, कराची रीजन एंड द डिस्ट्रिक्ट इज़ साउथ, अभी डाउनलोड हो रही है, और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा जो है, कौन कौन से कॉलेज, सॉरी स्कूल्स जो हैं वो लग रहे हैं, और कितनी सीट्स हैं GST की, अभी देखते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे मेरे सामने जो है वो ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये DEO की तरफ से जो है वो 2021 लेटेस्ट ये बिल्कुल, और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची, मैंने इसकी जो है ना लिस्ट डाउनलोड की है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा जैसे ही नीचे आया हूँ, अब इस कॉलम को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो है ना ऑफिशियली अवेलेबल होती हैं। अब आप देख लें कि यहाँ पर ये देखें, डिस्ट्रिक्ट साउथ है, सही है, कराची, अब ये जो टाउन पड़ रहा है यहाँ पर कोई लियारी फीमेल, आई डोंट नो, और यहाँ पर UC 9 बिहार कॉलोनी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस
इस चीज़ के अंदर लाया करते हैं, ठीक है। आप कराची साउथ में हैं और कराची साउथ में लियारी टाउन आप यहाँ पे हैं और बिहारी कॉलोनी में हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपकी UC 9 बिहारी बिहार कॉलोनी है, यहाँ पर आप देखें आपकी इस पर्टिकुलर एरिया में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बिहार कॉलोनी ये पढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये लेवल जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एलिमेंट्री स्कूल और हाई स्कूल, और नेम ऑफ द पोस्ट इज़ JST BPS 14, और यहाँ पर 8 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इस गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बिहार, उसमें 8 पोजीशंस हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप वैकेंसीज चेक कर सकते हैं कि यार कितनी है। 15 वैकेंसीज देखो यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे, ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जेनू बाई अलाना, आई डोंट नो कहाँ पर है ये। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, देखें ऊपर सब लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट साउथ कराची, कराची आपका रीजन होगा और डिस्ट्रिक्ट साउथ होगा, और ये पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन है। आप चेक करते रहें, आपको अपने यूसी का नाम पता होना चाहिए कम से कम, सही है कि आपकी यूसी जो है वो कौन सी है। ये सारी यूसीज आ रही हैं ये, ठीक है, मूसा लेन और ये रिलैक्स लेन, और आप देख सकते हैं सब ये आ रही हैं यूसीज, और उन यूसीज से रेलेवेंट जो हैं वो ये कॉलेजेस आ, सॉरी स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज बार बार आ रहा है जबान पे, स्कूल्स आ रहे हैं, ठीक है। और फिर ये GST, और ये उसके हिसाब से सीट्स आपको दिखाई गई हैं, ये देख लें। टोटल बताया गया है कि लियारी के अंदर जो है वो ये सीट्स 28 हैं, ओ सॉरी 68 हैं, और आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लें, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह से ये। फिर ये सदर का दिखाया जा रहा है, एफ आई थिंक शायद फीमेल का बता रहे हैं, 147 सीट्स हैं। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, और ग्रैंड टोटल टोटल 495 जो है वो सीट्स आपको मिल रही हैं। इस तरह से आप पूरा यानी कि सदर के उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, ये सब आपके सामने है। तो ये पूरी शीट है जिसके बारे में आप लोग कह रहे थे कैसे पता लगेगा, सही। आप देख लें यहाँ पर, ये आपको हर रीजन की मिलेगी ना, मतलब सिर्फ कराची की नहीं है, हैदराबाद और उसके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जहाँ जिसमें भी आप फॉलो कर रहे हैं, कराची के सारे हैं, मतलब सर सब जगह ही है। और ये आप देख सकते हैं कराची, कराची हो गया, लाड़काना हो गया, मीपो खास और शहीद बेनज़ीराबाद, सख, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए, ठीक है, रीजन आ गए। फिर इनके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो हैं आप यहाँ देख लें, सक्खर का सक्खर डिस्ट्रिक्ट, खैरपुर, घोटकी, सांगढ़, नौशेरो फिरोज, उमरकोट, थरपारकर, मिठी, और ये लाड़काना, जैकवाबाद, कराची वेस्ट, साउथ, मलीर, कोरंगी, ईस्ट, सेंट्रल और ठट्टा, फिर टंडो मोहम्मद खान, टंडो एलआर, सजावल, मिटियारी, जामशोरो, हैदराबाद, हैदराबाद, दादू, बदीन, सब कुछ है। सारी शीट्स हैं, सिर्फ डाउनलोड करके आपको अपनी यूसी देखनी है, दैट्स ऑल, सही है। इसको इसको फॉलो करें, ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में चले हैं, लिंक पूरा का पूरा ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इम्बेड कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो जाएगी आपकी। लाइक मैं ये लिंक जो है वो कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आएंगे, सही, डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ से अपनी पर्टिकुलर लिस्ट PST की या GST की जो भी है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये वीडियो तो यहाँ ख़त्म हो रही है, इसके बाद मैं अभी रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ इसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द, चैप्टर 1 से जो आगे हम थोड़ी कहानी करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।